हाइजेंस प्रिंसिपल हम यूज करेंगे वेव फ्रंट को एक्सप्लेन करने में कि वेव फ्रंट बनता कैसे है और आगे कैसे बढ़ता है. तो इसके लिए हाइजेंस ने कुछ प्रिंसिपल हमको बताए. फर्स्ट प्रिंसिपल ये था कि वेव फ्रंट किसी भी टाइम पर उस वेव फ्रंट का हर पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बल्ब या एक लाइट का सोर्स है, उसने एक वेव फ्रंट बनाया, ये इतनी दूरी पर एक फेस पर सभी हैं, तो ये एक सर्कल, इधर सर्कल, इधर सर्कल, ये फुटबॉल जैसा बना. मान लो उसके सारे पॉइंट एक ही फेस पर हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेव फ्रंट. तो उनका ये कहना है कि उस वेव फ्रंट का ये पॉइंट सोर्स है, किसी भी एक टाइम पर ये उसका वेव फ्रंट है स्फेरिकल. इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है. तो हम ये मान लेते हैं कि ये अगर एक बल्ब था तो हर एक में ये कैपेसिटी होती है कि वो खुद में एक बल्ब बन जाए. हाँ, एनर्जी उसके पास कम हो सकती है लेकिन सोर्स वो भी लाइट का बनेगा. अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हर पॉइंट अपने आप में एक नया सोर्स ऑफ लाइट माना जाएगा. ये सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा कि अपनी वेव बनाना शुरू करेगा. तो ये जब अपनी वेव बनाएगा तो इसकी वेव ऐसी बनेगी और ऐसी फैलती जाएगी. ये इसने अपनी वेव बनाई, इसने भी अपनी वेव बनाई, इसने भी बनाई, और इस तरह से हर सोर्स एक फिक्स टाइम के बाद हर सोर्स की अपनी अपनी वेव बनी. एक छोटी सी वेव को हम कहेंगे वेवलेट. ये जो सोर्स बना, ये सोर्स इसके बाद बना, इसलिए हम इसको कहेंगे सेकेंडरी सोर्स. ये प्राइमरी और इससे ये सेकेंडरी. अब हर एक अपनी अपनी एक छोटी छोटी वेव बनाता है. ओके, ये वेव किस तरह की दिखेगी? ये उस तरह की दिखेगी जैसे हम लोग सीताफल देखते हैं. सीताफल में आपने देखा ऐसे छोटे छोटे स्फीयर होते हैं, आधे स्फीयर. ये क्या है? ये ऐसे वेव बन रही है सर्कुलर फॉर्म में. उसको और छोटा छोटा मान लीजिए, बहुत छोटे 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 छोटे. ओके, तो ये इस तरह से सब अपनी वेव्स बनाते हैं. अब वेव फ्रंट कहाँ बनता है? तो आंसर है कि ये जो सब ने छोटी छोटी वेव बनाई है, इसकी हमें कॉमन टेंजेंट बनाएंगे. कॉमन टेंजेंट क्या होता है? वो जो सीताफल है, उस सीताफल के ऊपर एक पॉलीथीन को रखिए और उसको टाइट दबा दीजिए. अब पॉलीथीन की सरफेस आपको कैसी दिखेगी? एक स्फीयर दिखेगा, स्मूथ स्फीयर दिखेगा, दैट इज कॉमन टेंजेंट. क्यों? सीताफल के हर दाने के ऊपर वो ऐसा जा रहा है, दैट इज टेंजेंट. दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, इस तरह से वो एक कॉमन टेंजेंट जैसा होता है. तो वो भी एक सरफेस बन गई. वो सरफेस यहां पर कहां है? तो आंसर है कि वो सरफेस यहां है, ये. तो पहली सरफेस ये थी, एक छोटे से इंस्टेंट के बाद, टी इंस्टेंट के बाद ये दूसरी सरफेस आ गई और ये सरफेस इससे ऐसे आगे बढ़कर आई है. दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट. ओके, ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट. अब अगेन वी अप्लाई हाइजेंस प्रिंसिपल. उनका क्या कहना है? दैट ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट बिकम ए फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट. तो इसके जितने पॉइंट थे, ये सारे पॉइंट अब क्या माने जाएंगे? इनके पास क्या स्ट्रेंथ है? ये सब अपने पेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं. ये पेरेंट सोर्स की तरह, ये इसकी तरह बिहेव करता था, ये इसकी तरह बिहेव करते हैं. तो ये भी अपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल
वेव बनाना शुरू करते हैं। तो हरेक के पास ये कैपेसिटी होती है कि अपने पॉइंट से अपनी वेव बनाना शुरू कर दे। तो इसने अपनी वेव बनाना शुरू की और इसने इस तरह से वेव बनाई, ये इस तरह से इसने सब सोर्सेज ने अपनी अपनी एक वेव बना दी और इन चारों तरफ अपने डिस्टरबेंस एनर्जी के फैलाने शुरू कर दिए। ओके, ये सब की छोटी छोटी वेव है। उसके बाद हाइजन का ये कहना था कि इसकी एक कॉमन टेंजेंट फिर बनाइए। तो ये ऊपर पॉलिथीन जैसा लपेट के कॉमन टेंजेंट हमने इसकी फिर बनाई, वो कॉमन टेंजेंट ये बनी, ये। तो ये पूरी सरफेस क्या है, नेक्स्ट वेव फ्रंट। ये थी वेव फ्रंट नंबर वन, ये थी वेव फ्रंट नंबर टू और ये है वेव फ्रंट नंबर थ्री। अब इसका हर पॉइंट नया सोर्स बन गया, इसका हर पॉइंट नया सोर्स बन गया और उसने फिर से अपनी वेवलेट बनानी शुरू कर दी इस तरह से एकदम नजदीक नजदीक। ओके, ये सब ने अपनी बनाई और इसका एक कॉमन टेंजेंट हमने बनाया, दैट इज दिस कॉमन टेंजेंट। ये नेक्स्ट वेव फ्रंट बन गया। इस तरह से वेव फ्रंट एक के बाद एक के बाद एक ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो फर्स्ट सोर्स है सेंटर में, उसने एनर्जी का प्रोपेगेशन किधर किया? तो आंसर है उसने अपने से आउटर साइड में बाहर की तरफ किया। तो ये जो वेव्स बनाते हैं, ये वेव बनाता है, ये वेव बनाता है, ये वेव बनाता है, इन सब का प्रोपेगेशन की डायरेक्शन किधर स्ट्रांग होती है? टुवर्ड्स रेडियली आउटसाइड। इसलिए हम कॉमन टेंजेंट किधर बनाते हैं? आउटसाइड बनाते हैं, इनसाइड नहीं बनाते। ये इसका डिस्टरबेंस इधर ट्रेवल होता है तो ये ग्रीन वाले के बाहर में हमने टेंजेंट बनाई है, अंदर में नहीं बनाई। तो इसकी जो सोर्स बनेगा, इसकी जो वेव बनेगी, वो वेव किधर जाने के लिए होगी? बाहर जाने के लिए। तो कॉमन टेंजेंट हमको हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनानी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंट। ये एक नया वेव फ्रंट बन गया। इस तरह से ये नया वेव फ्रंट बनता है। अब छोटी छोटी चीजें उन्होंने और स्पेसिफाई की, वो चीजें ये थी कि इसने यहां से डिस्टरबेंस यहां भेजा, इन्होंने जो वेव यहां पर बनाई है उस वेव के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? स्पीड, वेवलेंथ, ये, और आप कह सकते हैं हाँ स्पीड और वेवलेंथ, ये दो चीजें। तो ये जो सेकेंडरी वेव बनाएगा उसकी भी सेम स्पीड होगी, सेम वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ और स्पीड दोनों सेम होंगी। इस तरह से एक सेकेंडरी सोर्स जो वेव बनाएगा उस वेव की भी स्पीड और वेवलेंथ वही होगी जो प्राइमरी सोर्स की होती, ठीक है? तो वेव में कोई अंतर नहीं, राइट? ये हो सकता है कि इसके पास एनर्जी बहुत है और ये अब इतने में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हर एक के पास एनर्जी कम हो जाएगी, फिर इसके पास एनर्जी और कम हो जाएगी, इसके पास एनर्जी और कम हो जाएगी। तो अगर हम यहां से ऐसे देखेंगे ये, तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होते जाती है हर फ्रंट की। तो ये आप देखिए, इस तरह से ये कोई भी सेक्टर ले लो, इस सेक्टर में ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर अगर हमारा सोर्स है तो यहां पर इस तरह से वेव फ्रंट आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से ये अगर एक ओपनिंग है, इस चीज को समझिए, यहां पर एक सोर्स है, इसने अपने वेव फ्रंट बनाए ऐसे, ये। अब ये वेव फ्रंट इससे और इससे, इस ऑब्स्ट्रक्शन से टकराकर ये वेव रुक गई, पर ये वाला जो हिस्सा है ये तो ओपनिंग है, ये वाला जो नया पॉइंट है ये फिर से एक सेकेंडरी सोर्स बन गया और इसने अपनी वेव बनानी शुरू कर दी। इसने भी बनाई,
इसने भी बनाई, इसने भी बनाई, इसकी वेव इससे टकरा गई, इसकी वेव भी टकरा गई, इसकी वेव भी टकरा गई, इसकी और इसकी सब की वेव इससे टकरा के एब्जॉर्ब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। पर यहां पर जो ओपनिंग है, इसमें जो वेव फ्रंट पहुंचा है, इस सोर्स की जो वेव है वो सामने नहीं टकराई, तो वो वेव ऐसी बन गई। इसके ये वेव फ्रंट बनते चले गए। इस तरह से कोई भी ओपनिंग हो, उस ओपनिंग से जब लाइट आगे बढ़ती है तो किस डायरेक्शन में, इधर भी जाती है इसकी वेव्स, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, ऐसे सब तरफ जा सकती है। ये उनकी थ्योरी थी। और ये जो लाइट जा रही है, इसकी स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब कैसी रहेगी, जो कि इसकी थी प्राइमरी की। इस तरह से ये सेकेंडरी वेव यहां से बनी और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बनी। और ये आप देखिए, ये लाइट ऐसे ऐसे जा सकती है। ओके, इस तरह से सेकेंडरी वेव फ्रंट बनते हैं। तो अब ये जो प्रोसेस हमने अप्लाई की है, इस प्रोसेस को हम दो सेंटेंसेस में लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या उन्होंने रूल बताए जो कि हमने यहां पर अप्लाई किए हैं। तो पहला रूल, एवरी पॉइंट ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट विल बिकम ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। सो दीज आर रूल्स फॉर Huygens principle. Every point of a wavefront becomes secondary source of light. Every point. These secondary sources give their own light waves, and within a small time they produce their own waves called secondary wavelets. These secondary waves have same speed and wavelength as waves by the primary. Okay. At any instant, a common tangential surface on all these wavelets give new wave front. ये नए वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में बनते हैं, नेक्स्ट डायरेक्शन में, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो आई शुड राइट हियर आफ्टर दिस, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, इस तरह से ये वेव फ्रंट्स बनते जाते हैं। सो दिस इज हाइजेंस प्रिंसिपल। अब इसी बेसिस पर हम नए नए वेव फ्रंट बना के देखते जाएंगे। वेव फ्रंट की शेप क्या हो सकती है, तो शेप्स ऑफ वेव फ्रंट, शेप्स ऑफ वेव फ्रंट। अभी हमने देखा था, शेप ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। अगर हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ये, तो ये अपने चारों तरफ एक स्फीयर बनाएगा। ये यहां से डिस्टरबेंस एक रेडियस आर पे पहुंचा, तो इधर भी आर पे पहुंचा, इधर भी आर पे पहुंचा, इधर भी आर पे, इधर भी आर पे, सब तरफ आर डिस्टेंस पर पहुंचता है और एक साथ यहां सब पे पहुंचा, तो ये क्या बन गया, एक वेव फ्रंट। और इसकी शेप कैसी, सर्कल, ऐसा भी सर्कल, ऐसा भी सर्कल, ऐसा भी सर्कल, एंड ऑल दिस विल बिकम वन स्फीयर। तो ये वेव फ्रंट कहलाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब फिर से, अगर ये सोर्स एक लाइन सोर्स है, यानी कि ये एक लाइन है और इस लाइन में हर पॉइंट लाइट का एक सोर्स है, जैसे कि हमारे पास होती है ट्यूबलाइट, उस तरह से एक बहुत पतली सी लाइन, हर पॉइंट इसका सोर्स है। तो अगर हर पॉइंट सोर्स है, तो हम देखेंगे कि वो जो वेव फ्रंट बनाता है, वो सब वेव फ्रंट की जो कॉमन टेंजेंट आएगी, दैट कॉमन टेंजेंट विल बी इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये इस तरह से ये सिलेंडर की शेप। तो ये इससे ऐसे चारों तरफ सिलेंडर जैसे फैलती जाएगी। और यहां पर
ये जरूर ऐसे बन जाएगी, ये एस क्यों, लास्ट वाला क्या है पॉइंट, इधर लास्ट वाला भी पॉइंट, वो तो स्फीयर बनाएगा, उसका स्फीयर ऐसा बनेगा, इसका स्फीयर ऐसा बनेगा, और बाकी ये सब के ऊपर और नीचे के पॉइंट मर्ज हो जाएंगे और वेव ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, पहले ऐसे बनेगी फिर उसके बाद ये ऐसे बनेगी लाइक दिस, इस तरह से ये वेव इधर बढ़ते जा रही है और इधर बढ़ते जा रही है, तो ये ऐसा चारों तरफ ऐसा बढ़ता चला जाएगा, दैट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और सोर्स कैसा है, लाइन सोर्स, वेव फ्रंट की शेप क्या होगी, सिलिंड्रिकल। अब अगर हमारा लाइन सोर्स एक प्लेन है सरफेस, तो उस प्लेन सरफेस से जो वेव्स आएंगी उस पर टेंजेंट बनाएंगे, दैट विल आल्सो बी प्लेन। दूसरा, अगर एक पॉइंट सोर्स बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो यहां पर आप देखिए ये इसका रेडियस ऐसा, यहां पर रेडियस ऐसा, यहां पर रेडियस ऐसा, ये ऐसे बड़ा गोला बड़ा सर्कल होता जाएगा, और हम यहां आकर इसको देखते, अब हम इसको यहां पर इसका सर्कल है ऐसे, और हमने ये छोटा सा रेफरेंस लिया इतना, इसमें हमको क्या लगता है कि कर्वेचर कितना हो गया है, ऑलमोस्ट जीरो, ऐसा टेढ़ापन रहा ही नहीं, क्यों, इतनी दूर आ गया, इस पर बनने वाला एंगल बहुत छोटा हो गया। अगर ये डिस्टेंस कैसा है, मेनी किलोमीटर्स, सन से, सन इज ए पॉइंट सोर्स, वहां से जो रेस चलकर आ रही है, वहां से जो वेव्स चलकर आ रही हैं, आफ्टर मिलियंस ऑफ किलोमीटर इट रीच अर्थ, तो यहां आते 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 उसका वेव फ्रंट इतना बड़ा स्फीयर बन जाएगा कि हम इतने को कंसीडर करेंगे तो इसमें हमको कर्वेचर दिखेगा ही नहीं, क्या दिखेगा, प्लेन सरफेस, ठीक है। तो सो व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज फार अवे, देन द वेव फ्रंट विच रीचेज अस इज ऑलमोस्ट प्लेन। और अगर हमने एक प्लेन ही सोर्स लिया है जिसके सारे पॉइंट लाइट अप हो रहे हैं, तो इससे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देखिए ये एक सरफेस है इस तरह की, और इसमें ये सब सोर्सेज हैं, ये सब सोर्सेस ये वेव फ्रंट देते हैं, और ये अगला वेव फ्रंट बन गया। अब इसके सोर्सेस फिर से वेवलेट्स बनाते हैं बिकॉज दे आर नाउ सेकेंडरी सोर्सेस, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट, फिर इन सब सोर्सेस ने फिर से अपनी वेव्स बनाई, एंड वी गेट दिस। सो दिस इज ओरिजिनल वेव फ्रंट, दिस इज नेक्स्ट वेव फ्रंट, दिस इज नेक्स्ट वेव फ्रंट, दिस इज नेक्स्ट वेव फ्रंट, इफ दिस इज प्लेन देन दिस इज ऑल्सो प्लेन, दिस इज प्लेन, दिस इज प्लेन, और ये सब क्या कहलाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ओके, और इसका सोर्स कहता है, तो इसके सोर्स के लिए हम दो चीजें लिखेंगे, नंबर वन सोर्स इज ए प्लेन सरफेस, और दूसरा अल्टरनेट इसका क्या है, पॉइंट इज, पॉइंट इज, दैट इज पॉइंट सोर्स इज फार अवे। इन दोनों केस में हमको वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट, हर वेव फ्रंट में प्रोपेगेशन की, मूव करने की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो आंसर है वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में मूव करता है। देखिए ये पहला वेव फ्रंट ऐसा बना, दूसरा ऐसा बना,
तीसरा ऐसा बना, तो ये डिस्टरबेंस ये ऐसे मूव करता है और ये एंगल कितना होता है राइट एंगल। ये जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन है वो इस एरो से एग्जिबिट होती है, और ये जो डिस्टर्बेशन वाले पॉइंट है, डिस्टर्बेंस वाले पॉइंट, वो वेव फ्रंट में। तो ये वेव फ्रंट क्या दिखाता है, ऑल द पॉइंट्स विच आर हैविंग डिस्टर्बेंस, और ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन इन विच नेक्स्ट वेव फ्रंट विल बी फॉर्म। ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है इसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। तो यहां पर ये क्या चीज है, रे, दैट इज डायरेक्शन, और ये क्या चीज है, ये दिस इज फ्रंट। तो रे और वेव फ्रंट इन दोनों के बीच कितना एंगल, 90 डिग्री, ये हमेशा याद रखिए। अब इसका हम एक बेनिफिट लेते हैं, अगर हमको वेव फ्रंट की डायरेक्शन पता है कि वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग रे की डायरेक्शन बना सकते हैं उसका राइट एंगल लेके, और अगर हमको रे की डायरेक्शन मालूम है तो उस पर परपेंडिकुलर बना के हम वेव फ्रंट की डायरेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रे से वेव फ्रंट और वेव फ्रंट से रे, ये बनाना हमको आना चाहिए। और उसी के बेसिस पर कुछ दूसरे तरीके के वेव फ्रंट भी होते हैं, देखिए दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने स्टडी किया है कि रेज को लेंस से या मिरर से कन्वर्ज भी कर सकते हैं और डाइवर्ज भी कर सकते हैं। उस समय वेव फ्रंट्स की शेप कैसी होती है, देखो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस पर इधर से रेज आ रही हैं एंड दीज रेज आर पैरेलल। ये रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा, ये और ये सब रेज पैरेलल आई। अगर ये रेज ऐसी पैरेलल हैं तो इनका वेव फ्रंट कहां है, आंसर है वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द रेज डायरेक्शन, सो दिस इज द वेव फ्रंट, दिस इज द वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट किसी भी तरफ मुड़ा नहीं है, ऐसे स्ट्रेट है, सो दिस वी विल कॉल प्लेन वेव फ्रंट। ये आकर इस पर इंसिडेंट होता है। अब ये यहां पर आकर ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये ऐसे। अब जो नई वेव बनेगी उसके बारे में सुनिए, यहां पर जो डिस्टरबेंस होगा इसको आगे जाना है, इसको ग्लास में से जाना पड़ेगा और ग्लास में उसकी स्पीड कम होगी। इसका जो डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस किस में जा रहा है, एयर में, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ये यहां जल्दी पहुंच गया और ये यहां पहुंचने में इसको देर लगी। तो जब तक ये यहां से निकलकर आता है, सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, जब तक ये यहां पहुंचता है 5 सेंटीमीटर ग्लास में से होकर, उतनी देर तक इसका डिस्टरबेंस कितना चलेगा, लेस देन 5 और मोर देन 5। उसको एयर में चलना है, एयर रेरर मीडियम है, उसमें स्पीड ज्यादा होती है, तो वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा चलेगा। तो इसका डिस्टरबेंस यहां पहुंच गया और इसका डिस्टरबेंस यहीं पर है, इसका डिस्टरबेंस यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। तो हम क्या देखते हैं, एट एनी इंस्टेंट कॉमन टेंजेंट, एक ही इंस्टेंट में लेना है हमने वो इंस्टेंट जो चूज किया, उस इंस्टेंट में ये वाला डिस्टरबेंस यहां पर है, तो इसका डिस्टरबेंस इससे ज्यादा है, यहां पर है, इसका डिस्टरबेंस इससे ज्यादा है, इसका डिस्टरबेंस ये एयर में चला तो ये इससे ज्यादा है, और ये सब उस टाइम पर वेवलेट्स बनी हुई हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वेवलेट्स एक इंस्टेंट पर बनी है। अगर हम इन सबको मिला देंगे तो ये ऐसा हमको वेव फ्रंट मिला, ये वेव फ्रंट ऐसा बन गया।
तो ये जो प्लेन वेव फ्रंट बन रहा था यहां आकर ऐसा हो गया। क्यों हो गया समझ में आया? क्योंकि इसका डिस्टरबेंस ग्लास में से ट्रेवल किया तो ये इतना ट्रेवल किया, लेकिन इसको एयर में ट्रेवल करना है तो ये ज्यादा ट्रेवल कर लिया क्योंकि एयर में स्पीड ज्यादा होती है। ओके, ये अब अगर ये ऐसे बन गए हैं तो अगला वेव फ्रंट कहां बनेगा? आंसर है अगला वेव फ्रंट इसकी डायरेक्शन ऐसी आ गई, नॉर्मल। फिर हमने इस पर नॉर्मल लिया तो इसकी नॉर्मल डायरेक्शन ये ऐसे, इसकी नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे, ये इस तरह से और ये इस तरह से। हमको मालूम है कि लेंस में से निकल के रेज ऐसे ही बिहेव करती हैं। तो वेव फ्रंट बनाना है तो ये वेव फ्रंट बन गया, ये पहला, और इसका रीजन आप समझ गए कि ये क्यों मुड़ गया। अगला वेव फ्रंट यहां पर, इसकी अगली वेव यहां पर आई, नॉर्मल 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 नॉर्मल, ये वेव फ्रंट बना, तो अगला वेव फ्रंट ये ऐसा हो गया, उससे अगला वेव फ्रंट ऐसा हो गया। फिर हमने यहां पर ऐसी वेवलेट्स बनाई, कॉमन टेंजेंट बनाई, ऐसी आ गई, ये ऐसी आ गई, ये ऐसा, ये ऐसा, हर जगह रेस पर कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। ये अब देखिए ये वाला, ये वेव फ्रंट बने, ये जो वेव फ्रंट है इनकी शेप इधर से हम देखते हैं, इनको क्या कहेंगे? दीज आर कॉनकेव वेव फ्रंट्स, और ये जो लेंस हमने यूज किया है, ये लेंस, ये कौन सा लेंस है? दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। इसी का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। इसने वेव फ्रंट्स को क्या कर दिया? इतने बड़े वेव फ्रंट में जितने डिस्टरबेंसेस थे, जितनी एनर्जी थी, उस एनर्जी को इतने में लाया, फिर इतने में लाया, फिर इतने में लाया, और फिर इतने में ले आया। तो आप देखो एनर्जी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा। इसमें डिस्टरबेंस 100,000 थे, उस 100,000 को इसमें आ गया, अब वो 100,000 इसमें आ गया, अब वो 100,000 इस पॉइंट में आ गया। तो ये वेव फ्रंट बहुत ज्यादा एनर्जी वाला होगा, और यहां अगर हम स्क्रीन रखते हैं, अपना हाथ रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? बहुत चमकता है, समझ में आया? तो वेव फ्रंट में जो एनर्जी थी वो पूरी ऐसी आ गई। एनीवे, शेप ऑफ द वेव फ्रंट क्या कहलाएगी? कॉनकेव, किससे निकलने के बाद? कॉन्वेक्स लेंस से निकलने के बाद। ऐसे ही हम वेव फ्रंट बना सकते हैं कॉनकेव का, ये कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस में इधर से प्लेन वेव फ्रंट जा रहे हैं और उनकी डायरेक्शन पैरेलल है। तो हम चाहे तो पहले रे बनाए और चाहे तो पहले वेव फ्रंट बना लें, ये ऑल दीज आर पैरेलल रेज, तो इसके वेव फ्रंट इस तरह के बनेंगे। अब देखिए ये वाला जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट, यहां से जो वेव बनेगी उसको ग्लास में से जाना है, और यहां जो वेव बनेगी वो अभी भी एयर में से जाएगी। कौन फास्ट जाएगी? जो एयर से जाती है, तो ये फास्ट जाती है और ये वाली स्लो जाती है। ये जब तक यहां पहुंचती है, ठीक उस इंस्टेंट में ये वाली इससे आगे बढ़ जाती है, क्योंकि ये एयर में चल के आई, ये थोड़ी सी एयर में आई, थोड़ी सी ग्लास में गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ी, ये वाली यहीं पहुंची, ये वाली यहां पहुंची, और वेव फ्रंट उस एक टाइम में सभी वेव का डिस्टरबेंस ऐसा है, तो ये क्या बन गया? सेकेंडरी वेव फ्रंट बिकॉज ऑफ दिस। तो इधर ये प्लेन था, इधर जाके ऐसा बन गया। तो ये वेव फ्रंट अब कैसा है? दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स वेव फ्रंट। अब अगला वेव फ्रंट, तो इससे नॉर्मल डायरेक्शन में ये वेव फ्रंट आगे बढ़ा, ऐसा, इधर ऐसा और इधर ऐसा, तो अगला वेव फ्रंट हमको मिला ये। इससे अगला और नॉर्मल डायरेक्शन में आगे बढ़ा,
तो अगला वेव फ्रंट, यस अगला वेव फ्रंट और बड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेव फ्रंट बड़ा होते जाता है और हर समय डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दैट इज रे एंड वेव फ्रंट दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये है वेव फ्रंट और ये वेव फ्रंट को हम क्या वेव फ्रंट कहेंगे, कॉन्वेक्स। इनकी शेप कैसी है, कॉन्वेक्स वेव फ्रंट। तो कॉन्वेक्स वेव फ्रंट कौन से लेंस से निकले, यस कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस, तो ये हमने देखा, ये भी शेप है। तो जब भी हमको शेप बनानी होगी कैसे करेंगे, हम रेज बनाएंगे और रेज पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, उससे हमको शेप मिलेगी। तो एक शेप और देखिए छोटी सी, यहां पर हमने प्रिज्म लिया, ये प्रिज्म, इस प्रिज्म में इधर से रेज आ रही हैं और ये हाँ मान लीजिए फिर से वैसे ही लेते हैं, ये पैरेलल रेज, अब यहां पर ये वेव फ्रंट और ये वेव फ्रंट यहां पहुंचा। इस वेव फ्रंट का यहां से जो नई वेव्स बनेंगी उसको ग्लास में से जाना है, दे विल गो स्लो, और यहां से जो जा रही हैं वो एयर में जा रही हैं, दे विल गो फास्ट। तो इसका डिस्टरबेंस यहां पहुंचता है, ये इसकी वेव है, इसका डिस्टरबेंस इससे ज्यादा आगे जाता है तो ये इतनी दूर तक पहुंच गया। अब हमने कॉमन टेंजेंट बनानी है तो कॉमन टेंजेंट हमने बनाई, इसका डिस्टरबेंस यहां पहुंच गया है, कॉमन टेंजेंट हमने बनाई, ये कॉमन टेंजेंट हमको मिली, ये तीनों पे ये कॉमन टेंजेंट मिली, तो इस पर नॉर्मल कौन है, ये नॉर्मल है, ओके। तो फिर ये नॉर्मल और आगे बढ़ाइए, तो ये वाला फ्रंट इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, लाइक दिस दिस। तो ये जो वेव फ्रंट सीधा ऐसे जा रहा था इस तरह से, यहां से आके ऐसे मुड़ गया, दिस इज हाउ द लाइट बेंड्स इन द प्रिज्म। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल वी हैव एक्सप्लेन्ड द एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस एंड एक्शन ऑफ ए प्रिज्म, ठीक है, ओके। अब इसी के बेसिस पर हम लोग स्टडी करेंगे हाउ वी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देयर इज ए मिरर, दिस दीज आर द वेव फ्रंट्स इंसिडेंट ऑन द मिरर। ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट ऐसा चले आ रहे हैं और इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, येलो लाइन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, आते 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 हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जब इस वेव फ्रंट का नीचे का पॉइंट मिरर को टच करता है, ठीक है। यहां से हमारी स्टडी शुरू होगी, ये क्या चीज है, वेव फ्रंट ऐसे प्लेन, ये क्या चीज है, डायरेक्शन, ओके। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, तो आंसर है कि वेव फ्रंट सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप नोट कर लीजिए, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, नॉट दिस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो इसको मैं नोट कर देता हूं सो दैट यहां पर वो नियम नहीं है जो रेस के साथ था, लेकिन वही नियम भी है। कैसे, एक्चुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट
वेव फ्रंट एंड सरफेस, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। रे ऑप्टिक्स में आपने क्या पढ़ा है, इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है ये, और ये नॉर्मल है, तो उसके अनुसार इस एंगल को क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट ज्योमेट्री देखिए, ये वाली सरफेस पे ये नॉर्मल है और ये वाली सरफेस पे ये नॉर्मल है, तो दोनों सरफेस के बीच जो एंगल होगा वही एंगल दोनों के नॉर्मल के बीच होगा, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम लोग इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स में इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पर एक्चुअली दोनों की वैल्यू सेम होती है। समझ में आ गया? ओके, सो ये फिर से, वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, उस समय ए में वेव्स बननी शुरू हुई, सेकेंडरी वेव। हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट बिकम ए सोर्स इटसेल्फ एंड स्टार्ट प्रोपेगेटिंग इट्स वेव्स। तो ए और बी दोनों ने अपनी अपनी वेव्स बनानी शुरू की। ए की वेव्स कहाँ हैं, तो आंसर है ए ने जो वेव्स बनाई वो वेव नीचे आ नहीं पाएंगी, बिकॉज दिस इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट सरफेस, दिस इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसलिए इसकी वेव नीचे नहीं आती हैं। तो ये वेव किधर बनाता है, तो आंसर है ये वेव ऐसे बनाता है, ये इस तरह से। ये वेव्स किसकी बनाई हुई है, ए की, ठीक, ये ऐसे बनाते चला गया। उसी समय जो पॉइंट बी है ये भी अपनी वेव्स बना रहा है, तो बी ने जो वेव्स बनाई वो बी की वेव्स आगे बढ़ती गई, और ये यहां से इसकी ये वेव्स इस तरह से बढ़ती गई, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, उसको मैं सिर्फ इसी लाइन पर बनाता हूं, ऐसा ऐसा, और ये डिस्टरबेंस यहां पहुंच गया, किसका, बी का डिस्टरबेंस। हम वो वाला इंस्टेंट चुनते हैं जब बी का डिस्टरबेंस यहां पहुंचा है, मान लो वो डिस्टरबेंस यहां से लेके यहां तक टी टाइम लेता है, कितना टाइम, टी, और वेलोसिटी ऑफ द लाइट वी है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, वेलोसिटी इनटू टाइम वी टी। तो बी से लेके ये वाला पॉइंट जिसका नाम हमने रख दिया सी, तो बी सी किसके बराबर हुआ, वी टी, ठीक है, ओके। अगर ये इसका डिस्टरबेंस वी टी डिस्टेंस तक पहुंचा है, तो ए का डिस्टरबेंस ये, इसकी वेव भी कितनी दूर पहुंच गई होगी, वी टी, क्यों, दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, डायरेक्शन भले अलग अलग है लेकिन सेम मीडियम है, तो दोनों की सेम वेलोसिटी वी। टी टाइम में जब इसका डिस्टरबेंस यहां है, तो इसका डिस्टरबेंस भी कितना दूर पहुंचा होगा, वी टी। तो हमने देखा यहां से ये हमने इसको नापा वी टी, और इसका भी नापा वी टी, और ये यहां पर ऐसा बना दिया। ये हाँ, ये ओके। तो ये डिस्टरबेंस यहां पहुंच चुका है, किसका, ए का, ये देखिए, ये गोला, ये 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 और ये, अभी यहां पर डिस्टरबेंस है टी टाइम के बाद, और इसका डिस्टरबेंस यहां पर है टी टाइम के बाद। अब ये रहा इसका डिस्टरबेंस, छोटी सी वेवलेट जो स्टार्ट हुई, और यहां पर ये वेवलेट्स इसकी है, किसकी, ए के डिस्टरबेंस की, ये किसकी है, बी के डिस्टरबेंस की। अगर वो बी के डिस्टरबेंस की है और ये ए के डिस्टरबेंस की है, और
गॉस थ्योरम, गॉस प्रिंसिपल क्या कहता है, मेथड, कि हमको एक कॉमन टेंजेंट बनानी है। तो ये वाला डिस्टरबेंस, ये वाला डिस्टरबेंस, और यहां से भी रे निकलेंगी, उनके डिस्टरबेंस भी होंगे, यहां से भी निकली हैं, इनके डिस्टरबेंस भी होंगे, ये यहां पहुंचा। इस तरह से ये सब की हमने एक कॉमन टेंजेंट बनाई, उसके एक एंड पर इसका डिस्टरबेंस है, दूसरे एंड पर इसका डिस्टरबेंस है, और ये बीच वालों के, इनके डिस्टरबेंस यहां पहुंचे होंगे। तो इन सब का हमको यहां पर मिल गया एक कॉमन वेव फ्रंट लाइक दिस, ये नया वेव फ्रंट बना कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, ठीक है। यहां से जो डिस्टरबेंस चल रहे थे वो यहां पहुंचे थे, ये उसका है, यहां से जो ऐसे आया इसका ये है, यहां से जो ऐसे आया इसका ऐसा फैलते फैलते यहां पहुंचा, यहां से जो आया डिस्टरबेंस इसका फैलते फैलते यहां पहुंचा, और ये सब का कॉमन टेंजेंट यहां पर बना। अब ये किस डायरेक्शन में फैल रहे हैं, तो आंसर है यहां से दिखता है ये इस डायरेक्शन में जा रहे, ये यहां टकराकर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका प्रोपेगेशन इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसकी नॉर्मल डायरेक्शन हमने यहां से बना दी, ये इसकी नॉर्मल डायरेक्शन, एंड दिस नॉर्मल डायरेक्शन इज दिस। नॉर्मल, नॉर्मल, ये इनकी नॉर्मल डायरेक्शन बन गई। तो इस तरह से वेव फ्रंट कहां बने, तो आंसर है ये इसके वेव फ्रंट बने। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये वाले आउटगोइंग वेव फ्रंट, और बीच में प्रोसेस क्या हुई है, तो आंसर है बीच में जो प्रोसेस हुई है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। यस, यहां से ये ऐसे गया, ये इसका डिस्टरबेंस का सर्कल है, इसका डिस्टरबेंस यहां पहुंचा है, इसका डिस्टरबेंस यहां पहुंचा है, इसका डिस्टरबेंस यहीं पर है। इस तरह से सबके डिस्टरबेंस पर हमने एक कॉमन टेंजेंट बनाई, तो वो कॉमन टेंजेंट ये वाली बनी, और यही कॉमन टेंजेंट फिर से नए सोर्स बनाएगी, उस सोर्स से ये अगला, उससे अगला, उससे अगला, और उससे अगला। तो अब हम देख रहे हैं कि ये सारे इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होते जा रहे हैं, सो दैट बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, दिस वन, ये दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट। अगर ये रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट है, तो सबसे पहला वेव फ्रंट ये है इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो एंगल बनाएगा सरफेस के साथ, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर दिस, ये क्या था आई और वो आर। दिस इज आई, इंसिडेंट वेव फ्रंट यहां स्ट्राइक किया था, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहां पहला बना, दिस इज आर। इस तरह से आई और आर ये दोनों बने और रिफ्लेक्ट होके ये इधर चला गया। दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो अभी तो हमने ये एक्सप्लेन किया कि वेव थ्योरी के बेसिस पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो इसमें प्रूफ होता है कि नहीं होता है, तो देखते हैं। यहां पर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया डी, ओके। तो दो ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी,
एबीसी एंड एडीसी, ये वाला डिस्टेंस। हाँ, एक चीज आपको ये दिख रही है, दोनों में क्या कॉमन है? एसी। दूसरा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आपने पहले निकाला है वी इंटू टी, दिस इज वी टी, ये डिस्टेंस है ये, ओके। यहां से इसकी वेव यहां पहुंची है ठीक उसी टाइम में, टी टाइम में, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया यहां से यहां तक? वी टी, वी टी। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ द लाइट एंड वेव फ्रंट ऑफ द लाइट, इनके बीच एंगल कितना? राइट एंगल, और यहां भी कितना? राइट एंगल। सो एंगल बी एंड एंगल डी, ये कौन सा है? राइट एंगल। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड वन साइड आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दोनों दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाकी तीनों एंगल और साइड्स भी इक्वल होंगे, ओके। अब देखिए इसमें इक्वल साइड्स कौन सी थी? बीसी और एडी। तो बीसी के सामने इसमें कौन सा एंगल है? आई। एडी के सामने इसमें कौन सा एंगल है? आर। बिकॉज बीसी एंड एडी आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर आई एंड आर विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, सिंस बीसी इज इक्वल टू एडी, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ किया। तो वेव थ्योरी से हमने दो चीजें इसमें प्रूफ की, दो, एक तो एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन कैसे होता है, दूसरा ये प्रूफ कर दिया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वेव थ्योरी के बेसिस पे होता है। एंड दीज आर द ऑब्जर्वेशंस इन द लैब, लैब में हमने ये चीज देखी। सो वेव थ्योरी इज गुड फॉर एक्सप्लेनिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने जो इसमें प्रोसेस बताई थी, उस प्रोसेस के लिए दो लाइन और नोट कर लेते हैं कि वो प्रोसेस क्या। सो व्हेन ए वेव फ्रॉम डी रीच द पॉइंट सी, व्हेन ए वेव फ्रॉम बी, लेट्स करेक्ट इट, बी, बी रीच द पॉइंट सी, द टाइम टेकन इज टी, ड्यूरिंग दिस टाइम द डिस्टर्बेंस ऑफ ए मेक्स आर्क, मेक्स आर्क विद डी, ये वाले आर्क तक पहुंचती है और इसका रेडियस कितना है? वी टी, ओके। बी रीचेस सी, टाइम टेकन इज डी, डिस्टेंस यहां लिख लेते हैं वी टी, ये वाला डिस्टेंस बी से यहां तक वी टी, ओके। D with radius VT, ये radius VT, common tangent at D and C, इसका disturbance यहाँ है, इसका disturbance यहाँ है, so we make a common tangent D and C, ये हमको क्या देता है? This gives the new wavefront DC, और ये wavefront surface के साथ R angle बनाता है, this is moving forward, this is known as रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये सबसे छोटी इसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से बनेगा, और उसके बाद वहां पर हमने लॉ का प्रूफ किया, दिस इज प्रोसेस एंड दैट इज प्रूफ, दिस इज डायग्राम। सो दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन इज एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी। सिमिलरली
वी कैन एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन. तो अब देखिए रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन. सो दिस इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम्स. दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू. वी कैन एज्यूम मीडियम टू इज द डेंसर मीडियम. ठीक है. देर इज अ वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन दिस सर्फेस. उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, गिवन बाय द येलो लाइंस, एंड दीज आर द वेव फ्रंट्स. ओके, आते 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 यहां पर टकराया फर्स्ट वेव फ्रंट. जैसे ही वेव फ्रंट इससे टकराता है, इट इज मेकिंग सर्टेन एंगल विद दिस, एंड दैट एंगल वी विल टर्म एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. राइट, दिस इज द सिचुएशन. नाउ अगेन वी गिव इट ए नेम. दिस इज A and this is B. Its velocity in this medium is V1. This disturbance keeps on moving and reach the point C, and it has taken the time T. If it has taken the time T, then what is the distance BC? V1 multiplied by T. This is the distance BC. Okay, BC is equal to V1 T. This disturbance reaches here. कितना टाइम लगा T? उतनी देर तक A ये भी अपनी वेव्स बनाता है, ये भी डिस्टर्बेंस को प्रोपेगेट करता है. तो इसने अपनी वेव्स बनानी शुरू की और ये वेव्स इसने यहां पर फैलानी शुरू की, और ये लाइक दिस. ये जो वेव प्रोपेगेट हो रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इन ऑल द डायरेक्शंस, बट द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन इज नॉट V1. व्हाई? द मीडियम इज डिफरेंट. दिस इज ए डेंसर मीडियम, सो वेलोसिटी बिकम लिटिल लेस. मान लीजिए यहां पर उसकी वेलोसिटी है V2. ओके, तो V2 टाइम तक ये वेव्स बनाते चला गया, और V2 टाइम में जाकर इसने फाइनल जो वेव, इसका जो डिस्टरबेंस है, वो डिस्टरबेंस यहां पहुंचता है, दैट इज दिस. ये वाला डिस्टेंस कितना है V2. This is V2 multiplied by T. How much is this? V2 multiplied by T. How much is this? V2 multiplied by T. उतनी दूर तक पहुंचा. इसने V1T यहां पर पहुंच गया है, इसका डिस्टर्बेंस, और इसका डिस्टर्बेंस उसी T टाइम में यहां तक पहुंच गया है. Then where will be the new wave front? According to Gauss principle, the common tangent will be the new wave front. तो हमने इस पे कॉमन टेंजेंट बनाई. ये यहां से ये वाला ऐसा रेडियस लिया जिस रेडियस पर ये राइट एंगल बनेगा, ऐसे ये. ये रेडियस, ये राइट एंगल, देन ओनली इट्स ए टेंजेंट. और यहां पर तो एक ये छोटी सी ये वेवलेट है, इस वेवलेट पर ये टेंजेंट. सो दिस इज कॉमन टेंजेंट. बीच वाली ये वाला पॉइंट, इसने एयर में या फर्स्ट मीडियम में इतना डिस्टेंस आया और सेकेंड मीडियम में ऐसा आ गया होगा लाइक दिस, तो इसकी भी ये टेंजेंट बन गई. सो दिस बिकम्स ए कॉमन टेंजेंट दिस. और ये कॉमन टेंजेंट क्या होती है? न्यू वेव फ्रंट. सो दिस इज अवर न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी. अब ये वेव फ्रंट के सारे पॉइंट फिर से नए सोर्स बने, और ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता है. कोई भी वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में आगे जाता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ये नया वेव फ्रंट बना. अब ये मीडियम पूरा
इस डिस्टरबेंस के लिए मीडियम टू, इसके लिए भी मीडियम टू, इसके लिए भी मीडियम टू, तो सबकी वेलोसिटी कैसी है? v2। इसलिए अगले t टाइम में सबका डिस्टेंस कैसा होगा? इक्वल। और अगर इक्वल डिस्टेंस है तो नया वेव फ्रंट यहां बना, इक्वल डिस्टेंस, फिर उसके बाद यहां बना, फिर उसके बाद यहां बना, ये यह। तो ये इस तरह से वेव फ्रंट आगे बढ़ते चले गए। ये वाला जितना डिस्टेंस होता है उससे ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है। अब वी कैन करेक्ट द ड्रॉइंग ऑल्सो लाइक दिस, ऐसे ये। अब आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऐसी थी और इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऐसी हो गई, डायरेक्शन मुड़ गई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां है? तो ये वाली जो वेव फ्रंट बना इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक मिनट इसकी प्रोसेस देखिए। व्हेन इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी स्ट्राइक्स द इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस, ओके, देन ओके, इंटरफेस एट ए, पहला पॉइंट ए पे स्ट्राइक किया, उस समय बी वेव्स बना रहा है मीडियम वन में वी वन वेलोसिटी के साथ, ओके, विथ वेलोसिटी वी वन, इन टाइम टी इट रीचेस बी टू सी, टी टाइम में इसकी वेव यहां पहुंच गई, तो ये डिस्टेंस कितना है? वी वन टी। उसी टी टाइम तक ए बी वेव्स बनाते रहा, और ये जो रेडियस है ए डी रेडियस तक उसका आर्क पहुंच गया टी टाइम में, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये आर्क वाला डिस्टेंस, दिस इज वी टू इंटू टी ए डी, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज वी टू एंड टाइम टेकन इज टी, रीचेस दिस इज ए टू डी, ए मेक्स एन आर्क ऑफ रेडियस वी टू टी, सिंस वेलोसिटी इन मीडियम टू इज वी टू, ओके। नाउ वी मेक ए कॉमन टेंजेंट, ये इसका डिस्टर्बेंस है, ये इसका डिस्टर्बेंस है, कॉमन टेंजेंट डी सी, वी मेक ए कॉमन टेंजेंट सी डी विच इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि ये इसमें बना है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो एंगल बनाएगा सरफेस के साथ दैट एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। सो दिस वेव फ्रंट मूव्स इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू इटसेल्फ। अब आप इसमें देख रहे हैं बी सी इज लार्जर ए डी इज स्मॉलर, देयरफॉर दिस डायरेक्शन हैज चेंज्ड, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो ये वाली डायरेक्शन चेंज हो गई, दैट इज द रीजन दैट व्हाई द रे बेंड्स इन द डेंसर मीडियम। अगर यहां पर स्पीड कम होती तो क्या होता? ये वाली लाइन और बड़ी हो जाती, फिर ये लाइन छोटी हो जाती, और ये वेव फ्रंट ऐसा मुड़ जाता, जिसको हम क्या कहते थे रे ऑप्टिक्स में, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये किधर हो गया? टुवर्ड्स नॉर्मल। समझ आया? तो इसका बेसिक रीजन क्या होता है? बेसिक रीजन ये होता है कि इसने मीडियम टू में चलना शुरू किया और ये अभी भी मीडियम वन में चल रहा है, तो ये जितनी देर में इतना दूर पहुंचता है ये थोड़ी सी दूर ही पहुंचता है, इसलिए जो अगला वेव फ्रंट बनता है उसकी डायरेक्शन टेढ़ी हो जाती है और ये बेंड हो गई, तो ये एंगल आर हो गया। नाउ यहां पर हम लोगों ने देखा साइन आई किसके बराबर है? साइन आई, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, साइन आई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, ए सी, और बी सी किसके बराबर है? वी वन टी डिवाइडेड बाय बी सी, साइन आर दिस इज ए सी, राइट, साइन आर इज इक्वल टू साइन आर, ये आर है, परपेंडिकुलर ए डी, हाइपोटेनियस ए सी,
ए डी अपॉन ए सी, और यहाँ पर ए डी, ए डी किसके बराबर है, ए डी वी टू इंटू टी. सो दिस इज वी टू इंटू टी डिवाइडेड बाय ए सी. डिवाइडिंग द टू, डिवाइडिंग द टू हमें मिला साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू. वेलोसिटी इन मीडियम वन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू. नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम इज कॉन्स्टेंट. सो वी वन इज कॉन्स्टेंट फॉर मीडियम वन, वी टू इज कॉन्स्टेंट फॉर मीडियम टू. देयरफॉर वी वन अपॉन वी टू इज ए कॉन्स्टेंट. Velocities are constant. और V1 upon V2 किसके बराबर होता है, refractive index. Therefore, sin I upon sin R is equal to a constant that is known as refractive index. And this is Snell's law. So we have explained Snell's law with help of wave theory. राइट सो फिर से हमने वेव थ्योरी के से क्या क्या एक्सप्लेन कर लिया. वेव फ्रंट का फॉर्मेशन, मोशन ऑफ वेव फ्रंट, प्रोपेगेशन. उसके बाद वो वेव फ्रंट जब किसी लेंस से पार होता है तो कैसे बिहेव करता है, कॉनकेव लेंस से पार होता है तो कैसे बिहेव करता है, प्रिज्म से पार होता है तो किस तरह से मुड़ता है, और उसी तरह से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है. ऑल दीज थिंग्स वी कैन एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ वेव थ्योरी. सो दैट्स व्हाई वेव थ्योरी इज गुड इनफ, हर चीज को एक्सप्लेन कर लेती है. अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि वेव थ्योरी में इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, डिफ्रेक्शन क्या होता है. ऑल दीज फिनोमेना विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय रे ऑप्टिक्स कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव ऑप्टिक्स. तो यहां अभी तक क्या हुआ था, द फिनोमेनाज विच आर एक्सप्लेन बाय रे ऑप्टिक्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय वेव ऑप्टिक्स. अब हम वो फिनोमेना देखेंगे विच कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय वेव ऑप्टिक्स एंड नॉट बाय रे ऑप्टिक्स. ओके, थैंक यू.